पहले समय में गांव में ना टेंट हाउस थे और ना ही केटरिंग थी, तो बस सामाजिकता। गांव में जब कोई शादी ब्याह होते तो घर घर से चारपाई आ जाती थी, हर घर से थरिया लोटा कलछुर कराही इकट्ठा हो जाता था और गांव की ही महिलाएं एकत्र होकर के खाना बना देती थी। औरतें ही मिलकर दुल्हन को तैयार कर देती थी और रस्म के सारे गीत गा देती थी। तब डीजे अनिल और डीजे सुनील जैसी चीजें नहीं होती थी और ना ही कोई ऑर्केस्ट्रा वाले फूहड़ गाने। गांव के सभी चौधरी टाइप के लोग पूरे दिन काम करने के लिए इकट्ठे रहते थे, हंसी ठिटोली चलती रहती और समारोह का कामकाज भी। शादी ब्याह में गांव के लोग बारातियों के खाने से पहले खाना नहीं खाते थे क्योंकि ये घरातियों की इज्जत का सवाल होता था। गांव की महिलाएं गीत गाती जाती और अपना काम करती रहती। सच कहूं तो उस समय गांव में सामाजिकता के साथ समरसता होती थी। खाना परसने के लिए गांव के लड़कों का गैंग समय पर इज्जत संभाल लेते थे। कोई बड़े घर की शादी होती तो टेप बजा देते जिसमें एक कॉमन गाना बजता था, मैं सहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है, और दूल्हे राजा भी उस दिन खुद को किसी युवराज से कम न समझते। दूल्हे के आसपास नाव हमेशा रहता, समय समय पर बाल झाड़ते रहता था कंघी से, और समय समय पर काजल पाउडर भी पोत देता था ताकि दूल्हा सुंदर लगे। फिर दोबारा का चार होता, फिर शुरू होती पंडित जी की महाभारत जो रात भर चलती रहती, फिर कोहबर होता, और ये वो रसम है जिसमें दूल्हा दुल्हन को अकेले में 2 मिनट बतियाने के लिए दिया जाता। लेकिन इतने कम समय में कोई क्या खाक बात कर पाता। सवेरे खिचड़ी में जम के गारी गाई जाती और यही वो रसम है जिसमें दूल्हे राजा जेम्स बॉन्ड बन जाते। हम नहीं खाएंगे खिचड़ी। फिर उनको मनाने कन्या पक्ष के सब जगलर टाइप के लोग आते। अक्सर दूल्हे की सेटिंग अपने चाचा या दादा से पहले ही सेट रहती थी और उसी अनुसार आधा घंटा की पौन घंटा रिसियाने का क्रम चलता, और उसी से दूल्हे के छोटे भाई सहबाला की भी भौकाल टाइट रहती, लगे हाथ वो भी कुछ ना कुछ और लहा लेता। फिर एक जयघोष के साथ खिचड़ी के गोले से एक चावल का कण दूल्हे के होंठों तक पहुंच जाता और एक विजयी मुस्कान के साथ वर और वधु पक्ष इसका आनंद लेते। उसके बाद अचर धरुवा जिसमें दूल्हे का साक्षात्कार वधु पक्ष की महिलाओं से करवाया जाता और उस दौरान उसे विभिन्न उपहार प्राप्त होते जो नगद और श्रृंगार की वस्तुओं के रूप में होते। इस प्रक्रिया में कुछ अनुभवी महिलाओं द्वारा काजल और पाउडर लगे दूल्हे का कौशल परीक्षण भी किया जाता और उसकी समीक्षा परिचर्चा विवाह बाद आहूत होती थी, और लड़कियां दूल्हा के जूता चुराती और 101 रुपए में मान जाती। फिर गिने चुने बुजुर्गों द्वारा माड़ो यानी विवाह के कर्म कांड हेतु निर्मित अस्थायी छप्पर हिलाने की प्रक्रिया होती। वहां हम लोगों के बचपने का सबसे महत्वपूर्ण आनंद उसमें लगे लकड़ी के शुंगों यानी कि तोता को उखाड़कर प्राप्त होता था, और विदाई के समय नकद नारायण कड़ी कड़ी 10 रुपए की नोट जो कहीं 20 रुपए तक होती थी, वो स्वार्गिक अनुभूति होती कि कह नहीं सकते। हालांकि विवाह में प्राप्त नगद नारायण माताजी द्वारा आठाने से बदल दिया जाता था, आज की पीढ़ी उस वास्तविक आनंद से वंचित हो चुकी है जो आनंद विवाह का हम लोगों ने प्राप्त किया है। लोग बदलते जा रहे हैं, परंपरा भी बदलती चली जा रही है, आगे चलकर ये सब देखने को मिलेगा कि नहीं वो विधाता जाने, लेकिन जो मजा उस समय में रहा वो मजा अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। वैसे आप क्या कहेंगे इस बारे में, आप कितना सहमत है, आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।